हुशियारपुर च उत्तर भारत की प्रसिद्ध यूनीवर्सिटी GNU यूनीवर्सिटी फगवाड़ा के स्कूल ऑफ डिजाइन एंड मास कम्युनिकेशन विभाग वालों फोटोवाक का आयोजन किया गया, जिस GNU वालों आए हुए विद्यार्थियों वालों हुशियारपुर शहर के मुख चौंकों बाजारों से इतिहासिक थावां पर जाके तस्वीरों अपने कैमरों में कैद किया गया। इस मौके GNU यूनीवर्सिटी के STMC विभाग के प्रबंधक सुशांत ने दसिया कि BSc एनीमेशन मल्टीमीडिया और बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हुशियारपुर च विशेष तौर पर फोटोवाक करने आए हैं, तो इस दौरान विद्यार्थियों वालों हुशियारपुर के मुख बाजारों में जाके अपने कैमरों में इन्हां यादगारों को कैद किया जाएगा। उन्होंने दसिया कि विद्यार्थियों को फोटोवाक करवाने का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट फोटोग्राफी प्रति जागरूक करना है, तो इस विषय को मुख रखते हुए विद्यार्थी हर 6 महीनों बाद किसी न किसी शहर से जाके फोटोवाक करते हैं। उन्होंने दसिया कि अज भी विद्यार्थियों वालों हुशियारपुर के बाजारों तो इलावा श्री हनुमान मंदिर महंता के डेरे समेत शीश महल बाजार वर्गिया इतिहासिक थावां पर जाके तस्वीरों कैमरिया च कैद किया जाएगा। हुशियारपुर न्यूज़ के नाल चेतन कश्यप की रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशांत है और मैं GNU यूनिवर्सिटी के SDMC डिपार्टमेंट से हूँ, स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड मास कम्युनिकेशन। आज हमारे BSc एनिमेशन मल्टीमीडिया और बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे फोटो वॉक के लिए आए हुशियारपुर के अंदर। तो यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं मार्केट के अंदर स्ट्रीट फोटोग्राफी करेंगे, डिफरेंट रूल्स यूज़ करके वो कैप्चर करेंगे, अलग अलग मोमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। जो क्लासेस के अंदर जिन्होंने थ्रेटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ें सीखी हैं वो यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल जो है वो फील्ड के अंदर, जो आप कह सकते हैं ये फील्ड वर्क करने आज बच्चे आए हैं यहाँ पे, और जिसके अंदर जो बच्चे हैं अपने DSLRs और अपने कैमरा फोन्स को यूज़ करते हुए, रूल्स को यूज़ करते हुए स्ट्रीट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, ये सब चीज़ें यहाँ पे करेंगे। जो फोटो वॉक का जो आयोजन किया गया आपकी तरफ से, मोटिव क्या सर, मेन मोटिव क्या है इसका? सर इसका जो मेन मोटिव जो है वो बच्चों को स्ट्रीट फोटोग्राफी के साथ अवेयरनेस में लाना कि स्ट्रीट फोटोग्राफी कैसे करनी है, और हमारे जो बच्चे हैं ये हर 6 महीने में अलग अलग सिटीज़ में जाके स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं। सर इससे पहले कौन कौन सी सिटी में जा चुके हैं? सर इससे पहले सर हम अमृतसर, लुधियाना, अलग अलग सिटीज़ में जा चुके हैं। अगले 6 महीने के अंदर हम मलेरकोटला और हमारे पास 2-3 सिटीज़ हैं जहाँ पे हम जाते हैं। जलंधर हम काफ़ी बार जा चुके हैं, जलंधर की मेन मार्केट्स के अंदर हम बच्चे स्ट्रीट फोटोग्राफी करने जाते हैं। मेन मार्केट को ही कैप्चर करते हैं या कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं? हाँ सर, पुरानी बिल्डिंग्स हो गई इसके अंदर, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गई, स्ट्रीट फोटोग्राफी होगी, आपके जो वेंडर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, जितना भी जो भी हमें स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए कंटेंट मिलता है वो बच्चे कोशिश करते हैं DSLR से और अपने कैमरा फोन से कैप्चर करने की। हुशियारपुर में कौन सा रूट आपने सेलेक्ट किया? सर यहाँ से प्रभात चौक से लेके क्लॉक टावर जाएंगे, उसके बाद हनुमान मंदिर हो गए, संत मंतों का डेरा हो गया, और 2-3 जगह और है जहाँ पे हम स्ट्रीट फोटोग्राफी करेंगे। तो हिस्टोरिकल प्लेस सेलेक्ट किए आपने हुशियारपुर में? तो सर बच्चे जो है शीश महल हो गया, क्लॉक टावर हो गया, पुरानी मार्केट्स हो गई जो हुशियारपुर के अंदर है, जो पुराने शॉपकीपर्स हो गए, पुराने वेंडर्स हो गए, उनको कैप्चर करेंगे अपने फोन के साथ। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to affect positive change around them.